وعليكم السلام ورحمة نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى صدق الله العظيم نحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين درود شریف اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الجود والكرم وآله وبارك وسلم بخاری شریف کی آخری حدیث ہے کلمتان حبیبتان الرحمن دو کلمے ہیں اللہ کو بہت پیارے ہیں خفیفتان علی اللسان زبان پر ہلکے ہیں ثقیلتان علی المیزان میزان پر بھاری ہے وہ دو کلمے کیا ہیں سبحان اللہ الحمد للہ سبحان اللہ الحمد للہ اسلام کی معتقدات میں بنیادی عقیدہ یہ ہے کہ اللہ ایک ہے پاک ہے بے عیب ہے بے نیاز ہے آخرت ہے اور اللہ کے پیارے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں جو کچھ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے پاس سے لائے ہر ایک کو مان لینا زبان سے وقت آنے پر اظہار کرنا ایمان ہے تو میرے آقا نے فرمایا ہے کہ میزان حق ہے پل صراط حق ہے جنت اور دوزخ حق ہے قیامت حق ہے تو دو کلمے ہیں اللہ کو بہت پیارے ہیں زبان پر ہلکے ہیں میزان پر بھاری ہیں نام اعمال جب تولے جائیں گے اور نیکی کا پلہ ہلکا ہوگا بدی کا پلہ ایسا ہوگا کہ آدمی دوزخ میں جائے تو یہ دو کلمے ایسے ہیں کہ جب تم ان کو پڑھتے رہو گے ادا کرتے رہو گے تو یہ میزان پر بھاری پڑھو سبحان اللہ الحمد للہ سبحان اللہ الحمد للہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم اللہ نے ان کو خلیل اللہ کا لقب دیا لفظ خلیل بنا ہے خلت سے خلت کا معنی ہے جس دل میں اللہ کے علاوہ کسی کی محبت نہ ہو فرشتوں نے بارگاہ الہی میں عرض کیا مالک و مولا تو نے ابراہیم کو اپنا خلیل فرمایا ارشاد ہوا آزما دیکھو
इब्राहिम अलैहिस्सलाम बकरियों का रेवड़ चरा रहे थे। एक फरिश्ता इंसानी शक्लो सूरत में दूर बैठकर उनको सुनाने के लिए यही कलमा पढ़ता है, सुभानअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, सुभानअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आशिक थे, बेखुद हो गए, तड़प गए। करीब आकर के फरमाया, है सुनाने वाले, एक बार और सुना दे। कहा, क्या दोगे? फरमाया, बकरियों का आधा रेवड़ ले जा, एक बार सुना दे। फिर पढ़ता है, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आप भी पढ़ो ना, ताकि जिक्र तो हो जाए। सच्चे आशिक थे, तड़प गए, मोहब्बत में करार कहा, मोहब्बत में ही चैन नहीं आता। हाफिज शिराजी ने बड़ा एक प्यारा वाकया लिखा, तमसीली वाकया है, कि मैं एक बाग में गया तो मैंने देखा कि बुलबुल अपने मिनकार में फूल को लिए हुए आहो फुहा कर रही है। मैंने पूछा, ए बुलबुल, जब फूल नहीं था तो तू चीखती थी, चिल्लाती थी, रोती थी, तड़पती थी, बिलखती थी, और जब महबूब का विसाल वसल हो गया, महबूब से मिलाप हो गया, तो अब ये रोना कैसा, अब क्यों बेचैन है? बुलबुल ने बड़ा प्यारा जवाब दिया, इंसान हो मगर समझते नहीं हो, इसलिए कि यार के सारे जलवे सामने नहीं है। नहीं जाती मोहब्बत की परेशानी, नहीं जाती करीबे दोस्त में भी दिल की वीरानी, नहीं जाती। सच्चे आशिक थे, फरमाया, एक बार और सुना दे। कहा, क्या दोगे? कहा, जो बचा है उसको ले जा। फिर पढ़ता है, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आशिक थे, सच्चा इश्क था, फिर तड़प गए। फरमाया, सुनाने वाले, एक बार और सुना दे। कहा, अब क्या दोगे? जो कुछ था सब तो दे चुके, अब क्या दोगे? कुर्बान जाओ हजरत इब्राहिम की खुल्लत पर अलैहिस्सलाम। फरमाया, सुनाने वाले, एक बार और सुना दे, और जिंदगी भर के लिए अपना गुलाम बना ले। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बारगाह इलाही में अर्ज करते हैं, मालिको मौला, तू अपने किसी नेक बंदे की ज़ियारत करा दे, जो तुझे महबूब हो, तेरा वली हो, तेरा दोस्त हो, तेरा प्यारा हो। वही आई, चले जाओ तूर पहाड़ पर, वहाँ एक शख्स रहता है, वो मेरा वली है, मेरा दोस्त है, मेरा प्यारा है। मूसा अलैहिस्सलाम तूर पहाड़ पे गए तो देखते क्या है कि एक शख्स है, हाथ का लूला है,
पैर का लंगड़ा है, आँख का अंधा है, जिसमें फोड़े हैं, फोड़े में कीड़े रेंग रहे हैं। गरीब आए तो देखा अल्लाह अकबर, उसकी जबान हिल रही है तो कान लगाया, तो वो आहिस्ता आहिस्ता यही कलमा पढ़ रहा है, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मूसा अलैहिस्सलाम जलाली थे, फरमाया जिस्म का एक हिस्सा भी सही नहीं, शुक्र किस बात पे कर रहा है। कुर्बान जाओ, अर्ज करता है अभी मेरी दो चीज सलामत है, एक तो मेरी जबान सलामत है जिससे उसका प्यारा नाम लेता हूँ, दूसरी चीज मेरा दिल उसकी मोहब्बत का गहवारा है। फरमाया कब से इस हाल में हो, कहा 100 बरस हो गए इसी हाल में रहते हुए। फरमाया कोई तमन्ना है, अर्ज करता है कि हाँ, पहली तमन्ना तो यह है कि इस वक्त जो अल्लाह के नबी हैं मूसा अलैहिस्सलाम, उनकी मुलाकात का शरफ हासिल हो जाता, उनके कदमों को बोसा दे लेता। फरमाया खुश हो जा, मैं ही मूसा हूँ। दूसरी ख्वाहिश क्या है, ठंडा पानी पी लेता। मूसा अलैहिस्सलाम उसके लिए पानी लाने गए, अभी पानी ला रहे थे कि देखा कि एक दरिंदा आया, उस पर हमला किया और उसके चथड़े चथड़े कर दिया। बारगाह इलाही में अर्ज करते हैं मालिको मौला, ये तेरा दोस्त, ये तेरा होली, ये तेरा प्यारा, अगर ठंडा पानी पी के तेरी बारगाह में जाता तो तेरा क्या बिगड़ जाता। वही आई मूसा, जो मेरा प्यारा होता है, जो मेरा दोस्त होता है, मैं नहीं चाहता कि उसकी सारी तमन्ना दुनिया में पूरी हो। हमने अपने प्यारों के लिए आखिरत बनाई है, दुनिया नहीं बनाई। सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मुसलमानों, अल्लाह ने तुमको अक्ल दी है, शऊर दिया है, तुम अपने अक्लो शुऊर को काम में लाओ। देखो इस्लाम में 4 बुनियादें ऐसी हैं जिनसे आदमी दलील पकड़ता है। एक तो किताबुल्लाह, कुरान करीम है। ये वही कुरान है जो मुहम्मद रसूलुल्लाह पर नाजिल हुआ, ये वही कुरान है। अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरतीब से सहाबा को याद कराया, उसी तरतीब से सहाबा ने याद किया, सहाबा के बाद उनके बाद वालों ने याद किया, उनके बाद वालों ने याद किया, उनके बाद वालों ने याद किया, और आज तक वो कुरान याद होता चला है। ये वही कुरान है, और जितनी किरातों में रसूलुल्लाह ने पढ़ा, याद कराया,
उतनी करतों में आज तक महफूज है। तो एक कुरान करीम है, दूसरे अहादीस है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तीसरे सवाद आज़म सहाबा से लेकर के ताबईन तबा ताबईन अइम्मे मुज्तहिदीन और उनके बाद वाले उलमाए रब्बानीन जम्हूर उम्मत ने जिस बात पर इत्तेफाक किया वो सवाद आज़म है। चौथी चीज़ है अकले सही। अब मैं तुम्हें कुछ मिसाल देके समझाऊं। देखो, आप किसी दरख्त के पास गए, बरगद का दरख्त है, बहुत पुराना है, वहाँ के लोगों से पूछा ये कब से है। लोगों ने कहा हमने तो अपने बाप दादा से ऐसी सुना, ये उसी वक्त से है। ऐसा होता है ना, बोलो ना। अरे कुछ हम बोले कुछ तुम बोलो, ताकि मैं समझूं कि आप समझ रहे हो। यह पीपल का दरख्त है, बहुत पुराना, कब से है, तो बाप दादा परदादा से सुनते चले ऐसे ही है। लेकिन एक छोटा सा दरख्त आपने देखा, एक फीट का, इसका पत्ता उसके पत्ते से मिलता जुलता है, बोलो, मिलता जुलता है, बरगद का हो या पीपल का हो। तो आपकी अक्ल ने बताया कि किसी ज़माने में ये पुराना दरख्त भी इतना ही बड़ा रहा होगा, बोलो जी। ये कौन बताया? अक्ल ने बताया ना, ये पीपल का छोटा सा दरख्त, बरगद का छोटा सा दरख्त, ये जब इतना बड़ा है, इसका पत्ता उसके पत्ते से मिलता जुलता है, तो किसी ज़माने में ये पुराना दरख्त भी इतना ही बड़ा रहा होगा, बोलो। अकल बताती है ना, इसी को अकल सही कहते हैं। जब आप पैदा हुए तो आपको मालूम नहीं माँ कौन है, बोलो, होश था, शोर था। अरे माँ को भी खबर नहीं मेरा बेटा कौन, वो तो बेहोश थी। लेकिन दाया बताती है ये तेरा बेटा है, बोलो। किसने बताया? और मोहल्ला टोला किसी ने इनकार नहीं किया कि उसका बेटा नहीं है। तो अब बच्चे को यकीन हो जाता है कि मेरी माँ यही है, बोलो, यकीन हो गया ना। कैसे यकीन हुआ? जब शुऊर हुआ तो देखा कि बच्चा पैदा होता है तो माँ से पैदा होता है, बाप से पैदा होता है, तो हमारी भी कोई माँ होगी, मेरा भी कोई बाप होगा। तो अकल बताती है कि हमने जिसकी गोद में परवरिश पाई, महल्ला टोला किसी ने इनकार नहीं किया, तो वही मेरी माँ है, बोलो। एक और लतीफा सुनो, दर्द मोहब्बत से पहचान होती है। किससे पहचान होती है? दर्द और मोहब्बत से। 6 साल का बच्चा हो, 1,000 या 100 मानो औरतें खड़ी हो जाए और सब उसको गोद लेने को तैयार है, बच्चा जिसको अम्मी कहतेगा वो औरत गोद ले लेगी। सब चाह रही है कि मेरे पास आ जाओ, मेरे पास आ जाओ, बेहतरीन लिबास में, बेहतरीन शक्ल। लेकिन एक औरत है जो उसकी माँ है, फटे पुराने लिबास में है, शक्ल भी अच्छी नहीं, ये बताओ कि वो बच्चा किसको अम्मी कह के उसके गोद में जाएगा? इन हसीन और अच्छे लिबास में मलबूस औरत को देख के जाएगा या जो उसकी माँ होगी उसी के गोद में जाएगा? बच्चे ने कैसे पहचाना ये मेरी माँ नहीं है, ये मेरी माँ नहीं है, ये मेरी माँ नहीं है, यही मेरी माँ है? इमाम गजाली फरमाते हैं, प्यार और मोहब्बत ने पहचान कराया। बच्चा जानता है कि जो प्यार ये औरत दे सकती है उतना प्यार इन औरतों में किसी को हमसे नहीं है।
तुमने पहचान करा दिया कि मेरी माँ यही है। उस प्यार ने पहचान कराया तो अकले सही हो और दर्द मोहब्बत सच्ची हो। अब तुम जरा सा गौर करो, कोई ऐसी माँ है जो पैदा होते होते अपने बेटे को याद की हो? ऐसा कोई बाप है जो पैदा होते होते अपने बेटे को याद किया हो? ऐसा कोई पीर है जो पैदा होते होते मुरीद को याद किया हो? बोलो ना, ऐसा कोई उस्ताद है जो पैदा होते होते शागिर्द को याद किया हो? ऐसा कोई दोस्त है जो पैदा होते होते दोस्त को याद किया हो? ऐसा कोई गहरा प्यारा है जो पैदा होते होते अपने प्यारे को याद किया हो? हाँ, एक ज़ात मिलती है, वो है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की, कि मेरे आका दुनिया में तशरीफ़ ला रहे हैं। खुदा की बारगाह में सजदा रेज़ होने के बाद सब में पहली जो याद आई है हम गुनहगारों की याद थी। रब्बे उम्मती रब्बे उम्मती, ये प्यार बताता है कि मेरे आका से बढ़कर हमसे मोहब्बत करने वाला दुनिया में कोई नहीं रहा, मखलूक में कोई नहीं जो उनसे बढ़ के हमसे प्यार करने वाला हो। तो उम्मती पर भी तो फर्ज है कि तुम सबसे बढ़कर किसी को प्यार करो तो जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो। बोलो, अब आओ अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत देखो। आपने सुना होगा, फिर मैं सुनाई देता हूँ। मसनवी शरीफ में है, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक बार बहुत बेचैन हो गए कि मैं अपने आका को देखूं। मस्जिद नबी शरीफ में आए, आका को नहीं पाया। लोगों से पूछा कि मेरे आका कहाँ है? किसी ने पहाड़ की जानिब इशारा कर दिया, उधर चले गए, वहाँ भी नहीं पाया। एक चरवाहे को देखा तो उससे पूछा कि तुमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है? कहा, किसके बारे में पूछ रहे हो, मैं नहीं जानता। कहा, बहुत ही हसीन चेहरे वाले काली काली जुल्फ वाले किसी शख्स को देखा है। उसको लिखा है मौलाना रूम ने, गुफ्त चो पामर मोरा मालूम ने मलमी दालम मोहम्मद नामे के। तुम किसके बारे में पूछ रहे हो, नहीं जानता हूँ। एक कदर दालम के अंदर तेरा बार जारुमी नालक कसे लैलो नहार। इतना जानता हूँ कि एक शख्स है इस घार के अंदर गए हैं, जाने के बाद जारो कतार रो रहे हैं, उनके रोने में बहुत दर्द है, बड़ी बेचैनी है। उनके रोने से हमारे जानवर भी मुतासिर है, परिंदे भी मुतासिर है। अबू हुरैरा बेचैन हो गए कि रोने में क्या कहते हैं। चरवाहा कहता है, मी कुनद बागिरिये हर साथी नाले या उम्मती। हर आह पर रब्बे उम्मती कह रहे हैं। गौर करो, उनसे बढ़ के कोई प्यार करने वाला होगा, कोई चाहने वाला होगा? अब बताओ, वो प्यारा आका दुनिया में इतना याद किया, कब्र में वही काम आएंगे, हश्र में वही काम आएंगे। पुल सिरात से जब बंदा गुजरेगा उनका गुनहगार उम्मती, तो किनारे होके फरमाएंगे, अर्ज करेंगे बारगाह इलाही में, रब्बे सल्लिम इलाही बचा ले।
इलाही बचा ले। गौर करो, जब उनसे बढ़ के कोई प्यार करने वाला नहीं है तो आप बताओ, उनकी सीरत से मोहब्बत करना, उनकी अदाओं से मोहब्बत करना, उनकी तालीमात से मोहब्बत करना, ये उम्मती पर कितना जरूरी हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? आज तुम ये देखते हो कि ये मेरा दोस्त है, ये मेरा फला है, ये मेरा फला है, ये मेरा उस्ताद है। अरे ये देखो कि जो मेरे आका का प्यारा होगा, उनका सच्चा गुलाम होगा, उससे हम लिपट जाएंगे, और जो उनकी गुलामी से बरगश्ता होगा, कोई भी हो, हम उससे अपने आप को हटा देंगे, उससे अपने आप को दूर कर लेंगे। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। देखो, अल्लाह की बारगाह में सच्चे दिल से रो, सच्चे दिल से फरियाद लगाओ, सच्चे दिल से अर्ज करो, मालिक मौला, हमने एक तेरी चौखट से अपने सर को हटाया, और आज हालत यह है कि सारी दुनिया हमसे सरकश हो गई। लोग पूछते हैं, हमारे पास ताकत नहीं रही, हथियार नहीं रहा, लश्कर नहीं है। मैंने जवाब दिया, नहीं, तुम्हारे पास उनकी सीरत और तुम्हारे अखलाक है। अगर तुम उनके अखलाक को अपने अंदर उतार लो तो आज भी तुम फतह पा जाओ। खुल्क नहीं तुम्हारे अंदर रहा, प्यार नहीं तुम्हारे अंदर रहा, तुम्हारे अंदर जो उनकी सीरत है वो नहीं रह गई। तुम अपने दिलों में, अपने दिमाग में, अपनी आदतों अतवार में उनकी सीरत को उतारो और सच्चे दिल से अर्ज करो, मालिक मौला, तो हमारे हाल पे रहम फरमा, करम फरमा। तो वो तो कादिर मुतलक है, वो तो चाहेगा तो हवा को रोक देगा, हवा को बदल देगा। तुम नहीं पहचानते हो, लेकिन हवाएं पहचानती है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह का सच्चा गुलाम कौन है। दुरुशरी पढ़ो, देखो, तकरीर करने का मैं ज्यादा आदि नहीं, लेकिन समझा रहा हूं कि समझो इस चीज को। हमारी लोगों से कोई दुश्मनी नहीं है, हम तो ये चाहते हैं कि लोग हक को कबूल करें। मजहब इस्लाम में क्या है? अल्लाह को एक मानो, आखिरत को मानो, अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानो, और उनकी तालीमात को अपने दिलों में उतारो। जो कुछ मेरे आका ने फरमाया है वो हक है, वो होकर रहेगा। जिसने उनकी तालीमात को कबूल किया उसकी आखिरत संवर गई। ये बताओ, दुनिया में रहना है, कब तक रहना है? बचपन आया, जवानी आई, बुढ़ापा आया, और उसके बाद मौत आ जाएगी। किसी भी चीज को दुनिया में रहना नहीं है, सबको मिट जाना है। एक से एक बादशाह दुनिया में आए, लेकिन क्या रहे? तुम अपने अखलाक को संवारो, अपनी सीरत को संवारो, अपने अंदर अच्छाई लाओ, हर बुराई से अपने आप को बचाने के लिए तैयार करो। सबसे पहले तुम अपनी सोच को बदलो। तुम्हारे सोच में गंदगी अगर आ गई तो वही गंदगी तुम्हारे दिल में आती है, और दिल के बाद से तुम्हारे बदन में हरकत आती है। अगर तुम्हारी सोच सही हो गई तो तुम्हारे आमाल अच्छे होंगे, और तुम्हारी सोच खराब हो गई तो तुम्हारे आमाल खराब होंगे। अपनी सोच को सही करो। जो जवान हो तो जवानी में क्या करना चाहिए,
जो बूढ़े हो बुढ़ापे में क्या करना चाहिए, शादीशुदा हो उसको कैसे रहना चाहिए, बाल बच्चे वाले हो तो तुमको कैसे रहना चाहिए। जिंदगी का कोई ऐसा शोभा नहीं है जहां मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम मौजूद न हो। पूछो, लेकिन तुम उससे पूछते हो जो कम जानता है या नहीं जानता है, या जिस पर जानवरों की सिफत गालिब है। उससे पूछो जिस पर फरिश्ते की सिफत गालिब है, जो हिकमत व दानाई से पुर है, शुजाअत से पुर है, अदालत से पुर है, सखावत से पुर है, सब्र से पुर है, हिल्म से पुर है, वकार से पुर है, जिसने अपने आप को रसूलुल्लाह की तालीम में फना कर दिया, उससे पूछो तो मिलने वालों से राह पैदा कर उससे मिलने की और सूरत क्या। उससे मिलना चाहते हो उसकी सूरत क्या है, उससे पूछो जो वाकई रास्ता जानता है। अब तुम अगर वफादार बनोगे तब तुम्हारे लिए बेहतरी है। देखो, मैं मिसाल देके समझाता हूँ। तुम्हारे मकान पर अगर कोई हमला करेगा, तुम्हारे मकान की ईंट गिराएगा, मकान में आग लगाएगा, तो ये बताओ उससे दोस्ती हो पाएगी, उससे दोस्ती कर सकोगे? बोलो ना। जो तुम्हारे मकान पे हमला करे, तुम्हारे दुकान में आग लगावे, उससे दोस्ती होगी? यार, मकान से बढ़कर, दुकान से बढ़कर अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत और अजमत है। बोलो, वो ईमान है, जाने ईमान है। अब जो उनकी शान में इस तरह से भूली बोले कि जैसा रसूलुल्लाह का इल्म है ऐसा तो हर बच्चा हर पागल का माजल्ला, ऐसी बोली बोलने वाला मुसलमान होगा? याद रखो, तुम उनसे अपने आप को दूर करो, उनसे अपने आप को दूर रखो। दूर करने का मतलब यह है कि तुम उसको इमाम मत बनाओ, ऐसे के पीछे नमाज मत पढ़ो, ऐसे का जबीहा मत खाओ, ऐसे के शादी ब्याह मत करो। झगड़ा नहीं करना है, लड़ाई नहीं करनी है, अपने आप को बचाना है। हम इमाम उसको बनाएंगे जो मेरे नबी का सच्चा आशिक होगा, हम जबीहा उसका खाएंगे जो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शायदा होगा, शादी ब्याह उसके यहाँ करेंगे जो मेरे नबी का दीवाना होगा। जब अपना जज्बा ऐसा रखोगे तब तुम्हारे अंदर अच्छाई पैदा होगी। रह गए मामलात, तो तुम मामलात में मिल सकते हो, मामलात का लगाव कर सकते हो। अपने अखलाक को मत बिगाड़ो, अपने अखलाक में बुलंदी लाओ, अखलाक में प्यार लाओ। प्यासा देखो तो पानी पिला दो, भूखा देखो खाना खिला दो, नंगे देखो कपड़े पहना दो। वो सिर्फ इस नियत से कि अल्लाह ने इंसान को मुकर्रम किया है, लकद करमना बनी आदम, हमने बनू आदम को मुकर्रम किया है। लेकिन ये तुम्हारा खुल्क ये बताने के लिए हो, ये तालीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम है। हम उसी तालीम पर अमल पैरा है, लेकिन हम इमाम नहीं बनाएंगे, हम हाथ का जबीहा नहीं खाएंगे, हम अपने आप को बचा के रखेंगे। इसलिए कि जिस चीज़ से रोक दिया गया उससे रुक जाएंगे, जिस चीज़ के करने की तालीम दी गई है उसको हम अंजाम देंगे। अपने आप को महफूज करो, कभी भी तुम्हारे तरफ से जुल्म ना होने पाए, तुम्हारी तरफ से ज्यादती ना होने पाए, तुम्हारी तरफ से जबर ना होने पाए। तुम अपने आप को बचाओ, जालिम मत बनो, जाबिर मत बनो। मैंने मिसाल देके कहा था कि अफसोस है हमारी कौम कुत्ता नहीं खाती है, बिल्ली नहीं खाती है, चूहा नहीं खाती है, लेकिन हराम माल खाने से परहेज क्यों नहीं करती है? बोलो, कुत्ते का गोश्त आएगा नहीं खाओगे, बिल्ली का आएगा नहीं खाओगे, चूहे का आएगा नहीं खाओगे। सच है मत खाओ, लेकिन हराम माल को भी वैसी समझो जो जो हराम है
उससे अपने आप को बचाओ, इसलिए कि अल्लाह ने और अल्लाह के रसूल ने हमको उससे रोक दिया। जब तुम अपने आप को ऐसा बनाओगे तो जानते हो दरिया वफादार हो जाएगी, हवा वफादार हो जाएगी, पहाड़ वफादार हो जाएंगे। एक लतीफ़ा याद आया, एक पीर साहब थे, पीर साहब का एक मुरीद भी था। पीर और मुरीद दोनों चले, रास्ते में एक आदमी घोड़ा बेच रहा था। हजरत को घोड़ा पसंद आ गया तो आपने फरमाया घोड़ा कितने का है? उसने कहा 30 दीनार। लेकिन हुजूर सुन लीजिए, घोड़े में 3 ऐब हैं। घोड़ा ऐसा है कि जब यह दुश्मनों के इलाके से गुजरता है तो बहुत धीरे धीरे चलता है और चीखते चीखते चलता है। आदमी चाहता है कि चुपचाप चले, कि चुपचाप नहीं चलता, चीखते चीखते चलेगा, दुश्मन को खबर हो जाएगी। दोस्तों के इलाके से गुजरता है, आदमी चाहता है कि ये अब यहाँ धीरे चले, आवाज़ देता चले ताकि दोस्तों को खबर हो जाए, वहाँ चुपचाप रहेगा, कितना कोड़ा मारिए नहीं बोलेगा और तेज चलना चाहेगा। तीसरा आयब यह है कि जब लड़ाई के मैदान में पहुँचता है तो दुश्मन को गालिब कर देता है और अपने सवार को मगलूब कर देता है। आपने फरमाया यार ऐसा घोड़ा लेके क्या होगा, ये तो तीनों मकाम पर फेल है। लेकिन मुरीद ने सौदा तय कर लिया, हजरत को पसंद आया है, ले लिया, 30 दीनार लिया, घोड़े को ले लिया। वो घोड़ा तीनों मकाम पर सही साबित हुआ। तब हजरत ने पूछा अपने मुरीद से, क्या तुमने भांप लिया था कि जो घोड़े में ऐब है वो घोड़े में नहीं है जो बेचने वाला बता रहा है? फरमाया नहीं सरकार, घोड़े में तीनों ऐब थे, लेकिन मैंने घोड़े के कान में कहा तू एक अल्लाह के वली की सवारी बनने जा रहा है, अगर तेरे अंदर यह ऐब है तो तू अपने उन ऐब से तौबा कर ले। तो घोड़े ने 3 मरतबा अपना सर हिलाया तो मैं समझ गया कि ऐब घोड़े में नहीं थे, घोड़सवार में थे। वो अपने मालिक का वफादार नहीं था तो घोड़ा उसका वफादार नहीं था। हम अपने मालिक के वफादार हैं तो घोड़ा हमारा वफादार हो गया। यही बताना है मुसलमानों के, तुम सच्चे वफादार बनो। आला हजरत अजीमुल बरकत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कोई ज़ाती झगड़ा किसी से नहीं था। ऐसा नहीं कि हम मोतकिद हैं इसलिए मान रहे हैं, नहीं, हक है। अरे 4-4-8 होता है, हम बोले तब भी 4-4-8 है और दुश्मन बोले तब भी 4-4 कितना होगा? अरे कम होगा? अरे कोई बोले, हक हक है। इस वक्त रात है और हमारे बोलने से रात नहीं है, रात है, कोई माने जब भी रात है और न माने जब भी रात है। उसी तरह से आला हजरत सच्चे नायब रसूल है। मालूम नहीं दुश्मनों को क्यों छिड़ पैदा हो गई, या तो मानने वालों ने इस अंदाज से पेश किया कि लोग छिड़ गए। आला हजरत ने देवबंदियों से वहाबियों से कोई जाती दुश्मनी नहीं की है, कोई बात नहीं बयान की है। क्या कहा है? उनकी जो बोलियां हैं, जो उनका अकीदा है, उसको बताया है कि मुसलमानों ये अकीदा कुफ्र है, ये बोली गुस्ताखी है। यही तो हम भी बता रहे हैं कि तुम लोग उस अकीदे से बाज आ जाओ, हमारे भाई हो। जिस अकीदे को अइम्मे दीन ने बयान किया है वही हक है, जिस अकीदे को कुरान और हदीस में जाहिर किया गया है वही हक है। अब वो अकीदा जो देवबंदियों ने बताया, वो अकीदा जो वहाबियों ने बताया, वो अकीदा जो राफजियों ने बताया, वो अकीदा जो कादियानियों ने बताया, वो कुल के कुल बातिल अकीदा है, उससे अपने आप को दूर करो। तो फिर याद रखो, इस मोहब्बत में तुम अगर दुनिया से गए तो उम्मीद है
कि अल्लाह पाक अपने हबीब की शफावत अपनी रहमत से बख्श देगा। अल्लाह पाक हम सबको हक पर रखे, हक पर चलाए और दुनिया से हक पर उठाए। अब खड़े होकर सलाम पढ़ो।